नमस्कार, सुदर्शन न्यूज के इस विशेष अभियान में स्वागत आपका और मैं हूं आपके साथ अनीता उपाध्याय। हैदराबाद की सियासत में गहरी पैठ रखने वाले और अपने हिंदू विरोधी भाषणों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले ओवैसी बंधुओं के खिलाफ सुदर्शन न्यूज ने लगातार 29 दिनों तक अपने सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बिंदास बोल में ओवैसी के नंगा नाच के जरिए उसके काली करतूतों और देशद्रोही भाषणों से देश की जनता को रूबरू करवाया और उसके चेहरे से नकाब उतारा। जी हां, सुदर्शन न्यूज की ये मुहिम लगातार 29 दिनों तक चली थी, जिसके बाद भारत सरकार ने कार्यक्रम के साक्ष्यों के आधार पर अकबरुद्दीन ओवैसी पर कार्रवाई करने की बात कही और इसी वजह से MIM समर्थक सुदर्शन न्यूज के दफ्तर और प्रधान संपादक सुरेश चौहान के से व्यक्तिगत दुश्मनी पर उतारू हो गए हैं। साथ ही सुदर्शन न्यूज के फेसबुक पेज पर भी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सुदर्शन न्यूज के कार्यालय में फोन करके भी धमकियां दी गई हैं और साथ ही ओवैसी समर्थकों ने सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के का वेरूल और औरंगाबाद आने का विरोध किया और औरंगाबाद में पैर ना रखने की धमकी तक दी थी। MIM और ओवैसी समर्थकों की चुनौती को स्वीकार करते हुए सुदर्शन न्यूज प्रधान संपादक ने औरंगाबाद जाने का ऐलान किया। लगता है ओवैसी और उनके समर्थक मेरे व्यक्तिगत दुश्मनी पर उतर आए हैं। हमने जो कार्यक्रम चलाया ओवैसी का नंगा नाच, उसमें तथ्य प्रस्तुत किए थे। उस तथ्यों के अगेंस्ट वो कानूनी उसको रोक नहीं पाए या किसी तर्कों के आधार पर उसका जवाब नहीं दे पाए, तो लगता है कि अब मेरा व्यक्तिगत विरोध करेंगे। आज 4 बजे महाराष्ट्र के संभाजीनगर के एयरपोर्ट पर उतर रहा हूँ। जिसको विरोध करना है वो विरोध करना है और जिसको समर्थन करना है समर्थन करने आए, देखते हैं किसकी क्या हिम्मत है। और आपको ये भी बता दें, सुदर्शन न्यूज प्रधान संपादक सुरेश चौहान के ओवैसी समर्थकों की धमकी के बावजूद भी अपने धार्मिक गुरु जगत गुरु जनार्दन स्वामी जी महाराज की 100वीं पुण्यतिथि और 25वें शहीदी दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने 26 नवंबर यानी बुधवार शाम 5:30 बजे औरंगाबाद पहुंचे, जहां पहले से ही हजारों की संख्या में प्रधान संपादक सुरेश चौहान के समर्थक उनका स्वागत करने के लिए फूल माला लेकर पहुंचे हुए थे। औरंगाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचते ही समर्थकों ने फूल की माला सुदर्शन न्यूज प्रधान संपादक सुरेश चौहान के को पहनाई, उनका जोरदार स्वागत किया। अपने समर्थकों का उत्साह देख प्रधान संपादक भी गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए, उसके बाद उनका अभिनंदन किया गया। और इतना ही नहीं, अपने समर्थकों का उत्साह बढ़ाने के लिए प्रधान संपादक सुरेश चौहान के ने उमड़ी भीड़ को संबोधित भी किया। हमारा तो कोई कार्यक्रम था नहीं, ये कार्यक्रम तो ओवैसी ने बनाया। अदरवाइज मैं इस शहर में तो हमेशा आता हूँ, अपने मित्र होते हमेशा और हम चले जाते हैं। उसने चैलेंज किया, इसलिए इतने सारे मित्र लेने आए थे। हमारा कोई कार्यक्रम नहीं, लेकिन आज शहीदी दिवस है और उस शहीदी दिवस पर उस 26/11 का महाराष्ट्र के लिए मुंबई के लिए विशेष महत्व है, तो उसके कार्यक्रम में जाएंगे। इस शहर में आए हैं इसलिए अभी शिवाजी महाराज के पुतले पे जाएंगे, वहाँ फुलार्पण करेंगे, वहाँ से संस्थान गणपति जाएंगे, फिर एलोरा जाएंगे शांतिगिरी महाराज के पास। आगे का किस तरीके से कार्यक्रम, जिस तरीके से धमकी दी गई थी, कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पे काफी देर पहले से लोग इंतजार कर रहे थे, उसका जवाब अभी वहाँ देंगे। तो एयरपोर्ट के बाहर स्वागत समारोह के बाद प्रधान संपादक सुरेश चौहान के अपने काफिले के साथ संभाजी नगर के लिए रवाना हो गए और जहां पर पहले से ही छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के माल्यार्पण का कार्यक्रम तय था। अपने कार्यक्रम के मुताबिक प्रधान संपादक क्रांति चौक पहुंचे, जहां पहुंचकर प्रधान संपादक सुरेश चौहान के ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तो आपको बता दें, भव्य स्वागत सुदर्शन न्यूज प्रधान संपादक सुरेश चौहान के का किया गया। औरंगाबाद एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर क्रांति चौक में उन्होंने भव्य प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। फिर उसके बाद महाआरती में भी
सम्मिलित हुए सुरेश चौहान की, जो लगातार धमकियां दी गई, जो लगातार कार्यालय में फोन करके ओवैसी समर्थकों द्वारा धमकियां दी गई कि औरंगाबाद में सुदर्शन न्यूज प्रधान संपादक के हम कदम तक नहीं पड़ने देंगे और ये कहा गया कि उनका विरोध जमकर किया जाएगा। तमाम विरोधों के बावजूद सुदर्शन न्यूज प्रधान संपादक औरंगाबाद पहुंचे, शहीदी दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, शिरकत की मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए इस कार्यक्रम में और ये कहा कि अगर किसी को भी मेरा विरोध करना है उसका भी स्वागत है और जिसे हमारा समर्थन करना है उसका भी स्वागत है। तो ये विशेष अभियान 29 दिनों तक चला। सुदर्शन न्यूज़ में ओवैसी का नंगा नाच, इस कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और सुदर्शन न्यूज़ का समर्थन किया, सुदर्शन न्यूज़ प्रधान संपादक का समर्थन किया, उनका भव्य स्वागत किया और ये उम्मीद तमाम लोगों के बीच थी कि ओवैसी जल्द पुलिस की हिरासत में होगा, जल्द पुलिस कस्टडी में होगा। तो हम आपको ये बता दें, जैसे ही कार्यक्रम तय हुआ सुदर्शन न्यूज प्रधान संपादक का औरंगाबाद जाने का, उसके बाद से लगातार फोन कॉल करके सुदर्शन कार्यालय में धमकियां दी गई, खुद सुदर्शन न्यूज प्रधान संपादक को धमकियां दी गई और ये कहा गया कि हम कदम तक नहीं पड़ने देंगे सुदर्शन न्यूज प्रधान संपादक सुरेश चौहान के औरंगाबाद में। उसके बाद लोगों के बीच में से क्या प्रतिक्रियाएं हमें सुनने को मिली हैं, ये एक बार आपको भी सुनाते हैं। के ऊपर भी निंदनीय है और फिर ये जो सुदर्शन न्यूज है या ये जो मीडिया है इसके ऊपर हमला करना तो और ही निंदनीय बात है। मीडिया तो चौथा स्तंभ माना जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए कहीं कोई ऐसी बात है तो मीडिया के ही द्वारा जवाब देना चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और भारत में लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्हें कोई आपत्ति थी, कोई शिकायत थी तो उसके लिए तंत्र है और मुझे नहीं लगता कि अगर वो कोई बात कहते तो सुदर्शन न्यूज उनकी बात को नहीं दिखाता। पर जिस तरह का व्यवहार किया गया है उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, ये कदापि उचित नहीं है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लोकतंत्र में सभी लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है और जिन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की नीयत से गलत सलत बयान दिए, उलझुल जलूल तरीके से जिन्होंने कृत्य किए हैं, उन लोगों की अगर निंदा की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो मैं समझता हूं कि ये उचित होगा। और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप अगर ऐसे लोगों को जो कानूनी तरीके से अपनी बात कहना चाहते हैं, उन लोगों को उनकी आवाज़ को दबाने का जो काम कर रहे हैं, मीडिया का अपना एक रोल होता है और जो सच्चाई है आप जनता तक ले जाते हो और इसमें अगर किसी को बुरा लग जाए या ऐसा महसूस हो कि मेरे विचारों को ढंग से नहीं रखा जा रहा, इसका ये मतलब नहीं कि आप धमकी देना शुरू करें। तो ये मीडिया पे ही प्रहार नहीं, आपने सही कहा कि लोकतंत्र पे प्रहार है और उसकी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा और आलोचना की जाए कम है। मैं तो ये आपको सुझाव दूंगा कि एज ए मीडिया चैनल कानून के रास्ते आपके लिए हमेशा खुले हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। अगर किसी खबर से कोई नाराज है तो उसको उसका खंडन करना चाहिए, उसी तरह उसमें कार्रवाई करना चाहिए और इसीलिए प्रेस काउंसिल बनी है कि ज़्यादा नाराजगी हो तो उसमें उसकी शिकायत करें। लेकिन किसी चैनल पर या समाचार पत्र के संवाददाता पर, संपादक पर किसी तरह का हमला, ये तो लोकतंत्र को कमजोर करेगा। इस तरह की कार्रवाई कायरतापूर्ण होती है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। तो राजनीतिक दलों द्वारा आपने तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी, उनका ये मानना है कि जिस तरह से ओवैसी समर्थकों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जो धमकियां दी जा रही हैं, ये केवल मीडिया पर प्रहार नहीं है, ये लोकतंत्र पर प्रहार है, ये कहा राजनीतिक दलों ने। और दूसरी तरफ हम आपको ये बता दें कि बॉलीवुड गायक रमी जी की अगर बात करें तो उन्होंने अपने शब्दों के जरिए डिस्क्राइब किया है ओवैसी जैसी शख्सियत को, सुनिए। हिंद की शक्ति दिखला दो इस ओवैसी अभिमानी को, एक किन्नर ने ललकारा है हर एक हिंदुस्तानी को, झूठ समझ बैठा है ये तो राम कृष्ण की वाणी को, रामायण गीता पढ़वाओ विद्रोही अज्ञानी को।
शक्ति दिखला दो इस ओवैसी अभिमानी को, एक किन्नर ने ललकारा है हर एक हिंदुस्तानी को। सरेआम बेशर्मी का ये नंगा नाच दिखाता है, जात पात के नाम पे भोले लोगों को भड़काता है, दीन धर्म में जहर घोल कर ये मोमिन कहलाता है। ये दुश्मन है भारत माँ का, सच्ची बात यही है, झूठ कपट छलमकारी इसकी औकात यही है, ये औलाद है ISI की इसकी जात यही है। हिंदुस्तान की धरती से कुछ भी ले जाना पाएगा, सबका चेहरा बहुत जल्द ही तेरे सामने आएगा, ताजमहल ले जाने वाले खुद कांधों पे जाएगा। बात मरण के क्या होता है आज तुझे बतलाएंगे, हम पवित्र अग्नि में जलकर राम कसम कर जाएंगे, और ओवैसी तुझे कब्र में कीट मकौड़े खाएंगे। आ तुझको ये समझा दूं कि होती है नारी कैसी, नूर शबाना मीरा राधा रविया और गीता जैसी, तेरी माँ की जात भी है कौशल्या और सीता जैसी। बड़े जानवर खाकर आखिर क्या लज्जत तू पाएगा, असल स्वाद से ओवैसी तू वंचित ही रह जाएगा, सूअर खाकर देख कभी तू बड़ा मजा आएगा। नापाकी का अपने सर पे तूने कफन लपेटा है, नफरत जलन घृणा के उठते शोरों पे तू लेटा है, तू इंसान कहा है मूर्ख तू शैतान का बेटा है। तेरी झूठी आन का सूरज किसी शाम ढलने को है, तेरा पल दो पल का जीवन मिट्टी में मिलने को है, ये तेरी नापाक रूह अब तो जख्मे चलने को है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे तो आपको ये बता दें कि लगातार 29 दिनों तक ओवैसी का नंगा नाच आखिरकार कब तक, ये विशेष अभियान सुदर्शन न्यूज़ में चलाया गया, और जब से इस अभियान को चलाया गया है तब से ओवैसी समर्थक ओवैसी बंधु लगातार विरोध कर रहे हैं सुदर्शन कार्यालय का, सुदर्शन न्यूज़ प्रधान संपादक का। धमकियां लगातार मिल रही हैं, लेकिन उन तमाम धमकियों के बावजूद औरंगाबाद पहुंचे सुदर्शन न्यूज प्रधान संपादक, जहां पर भव्य स्वागत सुदर्शन न्यूज प्रधान संपादक का किया गया और इस अभियान को सफलतापूर्वक सुदर्शन न्यूज में चलाया गया। सफलता इस अभियान को मिली और भारत सरकार की तरफ से ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कर दी गई। और हमारे साथ इस वक्त सुदर्शन न्यूज संवाददाता गौरव मिश्रा औरंगाबाद से जुड़ गए हैं। गौरव, आपका मैं रुख करना चाहूंगी और आपसे ताजा अपडेट ये लेना चाहूंगी, कल जिस कार्यक्रम में शिरकत करी शहीदी दिवस कार्यक्रम में प्रधान संपादक सुरेश चौहान के ने भव्य स्वागत उनका किया गया, उसके बाद लोगों के बीच से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनने को मिली ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए अनिता, जिस तरीके से अगर बात करें लोगों की, कल का जो कार्यक्रम था एक तय कार्यक्रम माना जा रहा था और कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो आम जनता थी और खास करके अगर हिंदुत्ववादी संगठनों की बात करें वो लोग वहां पे पहुंचे हुए थे। हालांकि ये तयशुदा कार्यक्रम था कि किस तरीके से हमारे जो चैनल के प्रधान संपादक थे वो पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर। हालांकि अगर बात करें 50 मिनट देरी से उनकी फ्लाइट लैंड हुई एयरपोर्ट पर, लेकिन उसके ठीक पहले तकरीबन 400 से 500 की संख्या रही होगी जितने लोग वहां पर रहे होंगे वो पहुंचे थे और बड़े ही धूमधाम के साथ
लोगों ने स्वागत किया। और अगर MIM की बात करें, लगातार हमने 29 दिनों तक जिस तरीके से MIM का नंगा नाच करके कार्यक्रम दिखाया था, उसमें जो सबसे ज्यादा अगर प्रतिक्रिया मिली थी वो तमाम ऐसे हिंदू संगठन थे जो ज्यादा एक्टिवेट हुए थे, जो ज्यादा MIM के खिलाफ निकल के अपने घरों से सामने आए थे। ऐसे में उन कार्यकर्ताओं की कल खुशी देखने लायक थी जब हमारे चैनल के प्रधान संपादक उनके बीच में मौजूद थे। सबसे ज्यादा तमाम जो कार्यकर्ता थे वहां पे और जो हमें लगातार हमें फॉलो करते आए, हमारी खबरों को देखते आए, उन्होंने भी इस पूरे मुहिम का धन्यवाद किया। और तकरीबन ये जो पूरा कार्यक्रम था, ये जो कार्यक्रम था एक घंटे तक चला, तमाम जो चौराहे थे वहां से होते हुए हमारे जो लोग थे वो गुजरे, तो लोगों का एक तरीके से खुशी का माहौल था। लेकिन MIM की बात करें तो कहीं भी MIM का एक भी सदस्य देखने को नहीं मिला। और इसमें मैं तारीफ करूंगा यहाँ के प्रशासनिक अमले की भी, कि हमने पहले ही यहाँ के जो कमिश्नर थे उनसे बातचीत किया था, उनको अवगत कराया था इस पूरे धमकियों से, तो निश्चित रूप से जो पुलिस कमिश्नर थे उनका भी सहयोग मिला, तमाम जगहों पे ट्रैफिक पुलिस से लगाए और जो तमाम पुलिस के अधिकारी थे उन्होंने रूट क्लियर किए, हर जगह पे उन्होंने अपना सहयोग दिया। तो साफ समझा जा सकता है कि किस तरीके से MIM जो करना चाहता था औरंगाबाद के अंदर, कहीं ना कहीं MIM की निष्क्रियता देखने को मिल रही है। कहीं से भी उसके एक सदस्य ने भी किसी तरीके से कोई आवाज को मुखर नहीं किया। नीता बिल्कुल गौरव, और हमें इस बात की भी आप जानकारी दे, अगर मैं सही कह रही हूँ तो हैदराबाद में हमारे इस कार्यक्रम से पहले, इस जो 29 दिनों तक ये जो अभियान चलाया गया, इस अभियान से पहले हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ शायद ही कोई व्यक्ति बोलना चाहता होगा। एक दबाव ओवैसी का हैदराबाद में हमेशा से रहा है और उसके खिलाफ बोलने से वहां का एक आम व्यक्ति डरता है, शायद आज उलट स्थिति है हमारे इस अभियान के बाद। देखिए निश्चित रूप से अगर हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद वो गढ़ माना जा रहा था ओवैसी का और माना भी जाता है, क्योंकि अगर हैदराबाद के अंदर की बात करें, हैदराबाद में एक ओल्ड सिटी है और न्यू सिटी, यानी ओल्ड सिटी हैदराबाद और न्यू सिटी, इन दोनों के आसपास की अगर बात करें तो यहाँ पर जो माहौल रहता है खास करके, वो हमेशा माहौल इस तरीके से बना के रखा जाता है कि जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं और खास करके हिंदुओं पर हावी हों, ऐसा उसकी विचारधारा होती है। लेकिन मैं वहाँ पर खुद मैं वहाँ पर रहा और मैंने देखा कि किस तरीके से जो वहाँ पर लोग हैं वो वहां पे किस तरीके से ओवैसी के जो खास करके हमारी जो मुहिम चल रही थी उस पर काफी खुश थे वहां के लोग। और बाद में जिस तरीके से तमाम जो संगठन थे वो वहां पे एक्टिवेट हुए, काम करना उन्होंने शुरू किया, तो चैनल को वहां पे उन्होंने लोकल, जो हमारा चैनल लोकल केबल पर चलता था, उस लोकल केबल को उन्होंने लोकल केबल के जो अधिकारी थे उनसे मिली भगत करके चैनल को कहीं ना कहीं बैन करने का भी काम किया। तो अनिता साफ समझा जा सकता है कि 29 दिनों की लगातार जो हमने मुहिम चलाई थी उस मुहिम का एक बड़ा असर दिखा। उसके बाद से खुद गृह मंत्री को सामने आना पड़ा, गृह मंत्री ने इस बयान को दिया था कि निश्चित रूप से MIM की ऊपर अगर इस तरीके से आरोप लगाया जाए तो MIM की मान्यता को भी रद्द करने वाली बात भी सामने लानी चाहिए। खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने हमारे स्टूडियो में आके इस बात को बोला था कि वो तथ्य दे, सबूत दे, वो खुद कोर्ट में जाएंगे। और तमाम जगहों से लगभग 150 FIR MIM के खिलाफ दर्ज किए गए, तो निश्चित रूप से जन आक्रोश MIM के लिए लोगों का निकला। और MIM पार्टी की अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से MIM अपने MIM के जो नेता है खास करके अकबरुद्दीन ओवैसी और इन बंधुओं की बात किया जाए, उनके जो बयान लगातार सामने आते रहते हैं, उन बयानों और कुतर्कों के आधार पे आम जनता कहीं ना कहीं जागरूक हुई और वही आम जनता औरंगाबाद की कल सड़कों पे थी। हमने लगातार पूरे कार्यक्रम को लाइव, बिल्कुल गौरव। और अगर एक और स्टेटमेंट को दोहराया जाए ओवैसी के यहाँ, तो ये कहता है कि देश का हर एक मुस्लिम बर्बादी चाहता है और अगर मैंने उनके गुस्से को नहीं रोका तो हिंदुस्तान टिक नहीं सकेगा। इस तरह की बयानबाजी, इस तरह का बेतुका बयान भी ओवैसी देता है। लेकिन अगर हम बात करें जो खबरें हमें मिली है कि केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी सड़कों पर उतरे हैं ओवैसी के खिलाफ वहां पर। देखिए निश्चित रूप से मैं लगातार इस बात को, मैं हैदराबाद में ही मैंने बोला था कि ओवैसी का जो दबदबा है वो सिर्फ उन्हीं मुसलमानों तक है जो बिल्कुल दलित हैं, जिनको रात को खाने का ठिकाना नहीं रहता है, ऐसे परिवारों को ओवैसी जैसे लोगों ने कैप्चर कर रखा है। जो पढ़ा लिखा मुसलमान वर्ग है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो ओवैसी जैसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहता है, क्योंकि आज हर युवा चाहता है उसे नौकरी मिले, उसे रोजगार मिले, ना कि मजहब के नाम पे इस तरीके से अराजकता फैलाने का ज्ञान मिले। और ये चीज हमने हैदराबाद में भी देखा था, जितने मुसलमान युवा थे और खुद द न्यूज मैगजीन के जो संपादक थे हमारे साथ वहां पे जुड़े हुए थे वो भी मुस्लिम थे, मोहसिन उनका नाम आपको बता रहा हूं, मोहसिन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां किस तरीके से ओवैसी बंधुओं ने उसे खरीद परोक्त कर रखी है, वक्फ बोर्ड पर किस तरीके से बेच खाया उन्होंने, उसका उन्होंने खुलासा किया। तो हर
किसान यही चाहता है कि नेतृत्व मिले तो सफल नेतृत्व मिले, कुशल नेतृत्व मिले, ना कि मजहब के नाम पे बांटने वाला नेतृत्व मिले। औरंगाबाद की भी बात करें, कल ऐसे लोग भी पहुंचे थे अनीता, मैं खुद हैरान था उन लोगों को देख करके, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो नारेबाजी कर रहे थे, वो भी उन रैलियों में हमारे प्रधान संपादक के साथ साथ चल रहे थे। मंच पे जब कार्यक्रम हो रहा था, मंच के दौरान वो लोग मौजूद थे, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अब जिस तरीके से एक मुहिम 29 दिनों तक हमने एक सफल मुहिम चलाई, इसका लगातार सड़कों बिल्कुल गौरव वाकई है। जो लगातार धमकी ओवैसी समर्थकों द्वारा और बंधुओं द्वारा दी जा रही थी, वो धमकी बेअसर हुई है और सुदर्शन न्यूज के इस अभियान का सफल असर जो है वो जरूर देश भर में हुआ है। बहुत शुक्रिया गौरव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का माल्यार्पण करने के बाद प्रधान संपादक सुरेश चौहान के पहुंचे और उन्होंने महालक्ष्मी आरती में भी शिरकत की, सम्मिलित हुए एक मुख्य अतिथि के तौर पर। तो महाआरती में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए सुदर्शन न्यूज प्रधान संपादक। महाआरती की समाप्ति के बाद प्रधान संपादक सुरेश चौहान के ने अपने समर्थकों के भारी हुजूम को संबोधित किया और उनका मनोबल भी बढ़ाया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा सुदर्शन न्यूज प्रधान संपादक ने, यह हम आपको कुछ देर। और आइए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे प्रधान संपादक सुरेश चौहान के ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। ब्रेक के बाद स्वागत एक बार फिर आपका और आइए अब आपको सुनाते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सुदर्शन न्यूज प्रधान संपादक सुरेश चौहान के ने अपने संबोधन में अपने समर्थकों से क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। संभाजी नगर के मेरे शेर मित्रों, जब इस देश के दुश्मन और खास करके जब इस देश के टुकड़े पर ही पलने वाले दुश्मन इस देश में विद्रोह की भाषा करते हैं, तो किसे याद करना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा। पिछले कई दिनों से एक देशद्रोही हिंदुस्तान के पौरुष को ललका रहा था, यहां की मर्दानगी को चैलेंज कर रहा था, यहां के युवा शक्ति को मरी हुई मानकर मन में जो आ रहा था बोल रहा था। दुर्भाग्य से छोटा छोटा कहीं ठेला लगाने वाला, किसी जगह पर कोई कूचे में दुकान लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने वाली पुलिस इस देश के खिलाफ द्रोह करने वाले का बाल भी बाका नहीं कर सकी थी, यह हमारे लिए शर्म की बात थी और बात है। इस देश में अगर कोई हिंदू साधु गलती से कोई शब्द बोल देता है तो भारत का मीडिया उसे 8-8, 10-10 दिनों तक बाबा का दिमाग खराब हो गया करके देश के सारे साधु संतों को बदनाम करता है। लेकिन उनको दिखता नहीं कि इस देश के मदरसों में क्या चल रहा है, मस्जिदों में देश के खिलाफ होने वाले, आग उगलने वाले, विष फैलाने वाले भाषणों के ऊपर इस देश का अपने आप को मर्द कहने वाला एक भी पत्रकार एक लाइन नहीं लिखता है। आप मानते हैं कि नहीं? लिखता है क्या? नहीं। लिखता है क्या? नहीं। जब वो नहीं लिखता है तो मेरे जैसे शिरडी में रहने वाले एक आम संघ के स्वयंसेवक को लगता है कि आप दिल्ली में जाना चाहिए और चैनल शुरू करना चाहिए और मेरे हिंदुस्तान की आवाज हर घर तक पहुंचानी चाहिए।
और इसलिए मैं आप ही के बीच का इसी शिरडी का रहने वाला हूं और मुझे लगा कि कॉलेज के बाद आगे क्या करना चाहिए। प्रवीण जी, हम लोग एबीवीपी में साथ में काम करते थे। मैंने तय किया कि अभी राजनीति में नहीं जाऊंगा, अब मीडिया में जाऊंगा, क्योंकि भारत में टीवी चैनल तो है लेकिन भारत के टीवी चैनलों में भारत नहीं है, ये दुर्भाग्य है। भारत के टीवी चैनलों में इंडिया तो दिखता है लेकिन भारत नहीं दिखता, और कभी कभार थोड़ा भारत भी दिखता है तो हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं दिखता। अगर उस हिंदुस्तान को जो लाखों सालों से अपनी पहचान बनाए हुए है और जिसने कभी भी अपनी देश की एक सेंटीमीटर सीमा भी किसी दूसरे देश पर आक्रमण करके नहीं बढ़ाई, ऐसे हिंदुस्तान का मैं पत्रकार हूं और हिंदुत्ववादी पत्रकार हूं ऐसा कहने में मुझे पूरा अभिमान है। जब मैंने तय किया कि ओवैसी के भाषण दिखाएंगे तो मुझे कई लोगों ने कहा कि ओवैसी इतनी गंदी बात बोल रहा है, आप उसके भाषणों को कैसे दिखाएंगे। कई लोगों ने कहा कि इसको मत दिखाओ, यहां कुछ माता भगिनी आए, लेकिन एक विदेशी फिलोसॉफी की एक लाइन बताता हूं। यूरोप में एक चिंतक हुआ, फिलोसॉफर हुआ, या भारत के जैसे हमारे बुद्धिजीवी है ना, निष्क्रिय बुद्धिजीवी, जिनके बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मुझे दुर्जनों की दुष्टता का इतना डर नहीं जितना सज्जनों की निष्क्रियता का है। वो जो सज्जन शक्ति है, वो सज्जन शक्ति में तथा कथित कई मीडिया वाले पोपट होते हैं ना, कुछ मीडिया वाले पोपट होते हैं कि नहीं, आके केवल बोलते हैं लेकिन कभी ललकारते हैं क्या? नहीं। उन लोगों ने कहा कि ये इतनी आक्रामक भाषा बोल रहा है, इसके भाषण मत दिखाओ। मैंने कहा, उस फिलोसॉफर का वाक्य मुझे याद आया, उसने तब के जमाने में समाज को कहा था कि अगर आप बलात्कार का विरोध नहीं कर सकते तो उसका आनंद लीजिए। ये वो जमा थे जो ओवैसी के भाषणों का विरोध नहीं कर सकती तो उसका आनंद ले रही है, लेकिन हम आनंद नहीं लेंगे, हम उसका प्रत्युत्तर देंगे और इसलिए हम उसको दिखाएंगे। क्योंकि माता भगिनी पर, समाज पर, संस्कृति पर, राष्ट्र पर होने वाले बलात्कारों का जवाब वो नहीं देता है जो कायर होता है। हम तो हिंदुत्व की शान है, जान है, मान है, हिंदुओं का खून हम में खोलता है, और किनका खोलता है? इस ओवैसी को मैं बताना चाहूंगा, जिस औरंगजेब को तू अपना हीरो मानता है ना, उसकी कब्र 29.5 किलोमीटर पर यहां पर है। और ये कौन औरंगजेब? ये ओ औरंगजेब जिसने सत्ता के लिए बाप को मारा, ये ओ औरंगजेब जिसने संस्कृत का विद्वान उसका भाई बना था दारा शेखो, उस दारा शेखो को मार दिया, किस लिए? सत्ता के लिए। तो उस औरंगजेब यो जिसका आदर्श है, इसने पूरे हिंदुस्तान पर राज करने के लिए दक्षिण से इसने आक्रमण शुरू किया। उस आक्रमण को महाराष्ट्र में आने के बाद महाराष्ट्र के वीरों ने उसे लगातार कई दशकों तक महाराष्ट्र में ही इस तरीके से अटका दिया कि अपने बाप और भाई का खून करने वाला क्रूर औरंगजेब सत्ता का उपभोग घेने के लिए दिल्ली तक पहुंच नहीं पाया। ये वो महाराष्ट्र है, ये वो संभाजीनगर है। और इसलिए जब मैंने तय किया कि इस अक्रुद्दीन ओवैसी के भाषणों को दोबारा दिखाऊंगा, ये महाराष्ट्र में आया था ना आपके पास चुनाव में, आया था, यहां भी गंद करके गया ना, किसी ने कुछ दिखाया, कोई इसके खिलाफ बोला, किसी ने कुछ किया, तो मैंने तय किया मैं करूंगा। आज 24 अक्टूबर को मैंने अपने चैनल पे कार्यक्रम चालू किया। दिवाली कब थी? 23 और 24 को। मुझे 19 तारीख को ऐसा लगा, महाराष्ट्र के चुनाव हो चुके थे, बाकी सारे विषय हो चुके थे, मुझे लगा कि इस दिवाली में कोई छोटा मोटा फटाका नहीं फोड़ेंगे, अब फटाका फोड़ेंगे तो ओवैसी का फोड़ेंगे। और इसलिए मैंने ये दिवाली नहीं मनाई। जिनको फेसबुक का नॉलेज है
और मेरे वॉल पे जाके देखे दिवाली के दिन भी 19 पोस्ट मैंने की है, जो एक एक पोस्ट बनाने में आधे घंटे से ज्यादा टाइम लगता है। मैंने पूरी दिवाली ओबीसी के खिलाफ प्लानिंग करने में बनाई। 24 तारीख को चैनल पर ओबीसी का नंगा नाच हिंदुस्तान कब रोके का सवाल पूछा और 29 दिनों तक इस कार्यक्रम को चलाया। भारत सरकार को मजबूर होना पड़ा कि हम ओबीसी के नंगा नाच पर कार्रवाई करेंगे। और फिर जब यह कार्रवाई घोषित हो गई तो इसको तो आदत थी कि कभी भी नंगा नाच करो, सरकार तो आग बंद कर लेती थी। तो जब मैं कार्यक्रम कर रहा था तो मुझे दूसरे दिन दूसरा एपिसोड जब हुआ तो नरेंद्र भाई मोदी ने दिवाली पे सारे मीडिया वालों को बुलाया था और मेरी बिंदास की भाषा तो आप देखते ही हैं। ऐसा बोलना कोई गलत है क्या? बोलना चाहिए कि नहीं? आगे भी बोलूं? तो मुझे कई पत्रकारों ने वहां दिवाली मिलन में, जिसमें नरेंद्र भाई थे, ये बोला कि तू ऐसी भाषा कैसे बोलता है। नरेंद्र भाई को शायद ये पता चला और जब वो उस कार्यक्रम के जगह पे आए तो इतने सब लोगों के सामने उन्होंने मुझे कहा, सुरेश जी कल रात में आपका देखा। इसका मतलब वो इससे सहमत थे, इसीलिए कहा। देश का बाकी मीडिया चुप हो गया। मुझे कई लोगों ने कहा कि जब मोदी सत्ता में आए हैं तो इसके खिलाफ कार्रवाई में इतना टाइम क्यों लगा, क्यों चुप नहीं बैठ रहा ये, मोदी क्यों नहीं कुछ कर रहे। मैंने कहा, मच्छर मारने के लिए तोफ नहीं चलानी पड़ती, मोदी को ओवैसी जैसों के लिए नहीं बिठाया है, पाकिस्तान और चाइना को भी चुप कराना है। मोदी जी आप वो काम करिए, ओवैसी को हम निपट लेंगे। और फिर हमने तय किया कि इसके खिलाफ कार्यक्रम करेंगे। 29 दिनों तक कार्यक्रम चला और मित्रों, इस देश के मुसलमान के भी ध्यान में आया कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद पर रोना रोने वाला यह आदमी 150 मस्जिदों को सपाट करके वहां पर टावर बनाकर बेच चुका है, 150 मस्जिदों को। यह मुसलमानों का भी नहीं है। और एक बात बताऊं, ये तो ओवैसी भी नहीं है। क्यों? हम तो मराठवाड़ा वाले हैं। औसा पता है? औसा कहां पर है? लातूर। ये औसा का है। और इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, वो मेरे ऊपर मानहानि का दावा कर सकता है। मैं बताता हूं, अगर ये गलत होगा तो दावा करे, मैं चैलेंज करता हूं। इसके परदादा को कोमड़ी चुराने के आरोप में वहां से भगा दिया। मुर्गी मुर्गी और औसा के पाटिल ने ब्रिटिशों का जो पुलिस रिकॉर्ड है उसका, मैं चाहे तो थोड़ी देर में मेरे फेसबुक पर और ट्वीट पे उसका रेफरेंस दे देता हूं कि कैसे किस एफआईआर के रेफरेंस में वो केस हुआ है। औसा का ये वहां गया और नाम क्या लगाता है? ओवैसी। ओवैसी कौन थे? एक ओवैसी संत थे, जो हम जिसको संत बोलते हैं, मुसलमानों में औलिया बोलते हैं या सूफी संत बोलते हैं। सूफी संत शादी करता है क्या? करता है क्या? और कोई संत शादी नहीं करता, फिर भी कोई कहे कि मैं इसके औलाद हूं तो क्या कहेंगे? जिस ओवैसी ने, मैं उनको प्रणाम करता हूं, जो ओवैसी उन्होंने बिचारे किसी भी विचार के क्यों ना हो, उन्होंने एक भगवान के सेवा में अपना जीवन लगाया, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। जिस ओवैसी ने शादी ही नहीं की उस ओवैसी का यह नाम लगाता है, इसका मतलब ये फर्जी है, ये डुप्लीकेट है, पैकेजिंग खराब है, नकली है। और कैसे नकली है, आगे का किस्सा बता। इसका दादा तो मुर्गी चोर था। ये खुद इसका बाप जो था उसका नाम था, वो 6 बार सांसद था। कितने बार? 6 बार। और वो 6 बार सांसद था, वो नाम क्या लगाता था? सुल्तान ओवैसी। सुल्तान का मतलब क्या होता है? कई राजाओं के ऊपर जो राजा होता है उसको क्या बोलते हैं? सुल्तान। भारत में सुल्तान कितने हो सकते थे? एक। इसका बाप मुर्गी चोर,
उसका बेटा अपने नाम में क्या लगा रहा है, सुल्तान। ये कहां का सुल्तान था, कहां का, कहां का सुल्तान? अगर कोई ओबीसी का समर्थक यहां है क्या कोई? हाँ, चिंता मत करियो, लाइव देख रहा है वो। पिछले एक महीने से उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने घर के बाहर निकले। जिस हैदराबाद को उसने मिनी पाकिस्तान बना के रखा है, उस हैदराबाद के लोगों के गुलामी को हम तोड़ना चाहते हैं, उनको हम आजाद करना चाहते हैं। लड़ाई उनके लिए भी है, वो भी खुश नहीं है, वो भी खुश नहीं है, क्योंकि वहां की 13 साल की लड़की को गल्फ के शेख को बेचा जाता है। अखबारों में पढ़ा होगा आपने, सबसे ज्यादा कुआरी कम उम्र की लड़कियां कहां बेची जाती हैं? आखाती देशों में। कहां से बेची जाती हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद का सुल्तान कौन है? ओवैसी। जो लड़की बेचेगा उसको क्या कहेंगे? मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं? तो बाप सुल्तान और ये क्या? अब मुझे बताइए, ऐसे व्यक्ति के लोगों के पार्टी को आप वोट देंगे? अच्छा, उसके आगे मैं बोलता, मुझे वोट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं हूं। किसी के दो चार सांसद, दो चार एमएलए आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो व्यक्ति इस देश के संविधान पर कसम तो लेता है कि मैं भारत के संविधान की कसम खाता हूं, लेकिन अगर उस संविधान को लात मारता है तो उसको वोट नहीं, उसको लात देनी चाहिए, लात देनी चाहिए। और ऐसा लात मारने का जो काम करेगा, देश के किसी भी क्षेत्र का करेगा, तो उसको मैं सलाम करता हूं एडवांस में। यहां पर एक और समस्या है। जब मैंने यहां आने का तय किया, हालांकि मैंने संभाजीनगर क्यों तय किया, मैंने बीच में टाल दिया इसको बोलना, मैंने संभाजीनगर इसलिए तय किया, इसके दो कारण थे। एक तो ये कारण था कि मैं ओबीसी के खिलाफ जंग लड़ रहा था, उसने मुझे कहा था कि हैदराबाद आके दिखाओ। उसके पहले मुझे मेरे गुरु के 25वें पुण्यतिथि और 100वें जयंती पर जनार्दन स्वामी के पुण्यतिथि में एलोरा जाना था। मैंने फेसबुक पर पोस्ट डाला और आपके शहीदी दिवस के कार्यक्रम पर आना था। तो मैंने तय किया कि इसका पहला विरोध कहां करेंगे? संभाजीनगर में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस देश का एक ऐसा राजा जिसके नाम का इतिहास गलत लिखा गया, उस छत्रपति संभाजी महाराज को मैं इस बहाने दुनिया में सही बताऊंगा। क्योंकि जब से मैंने 3 दिन से मेरे फेसबुक पर डाला है संभाजीनगर, संभाजी महाराज, तो फेसबुक पर 2.25 करोड़ लोगों ने अभी तक इसको ट्वीट किया या फेसबुक पर लाइक किया। उन्होंने पूछा कि ये संभाजी कौन थे। इस बहाने मुझे संभाजी को दिखाने का, बताने का, समझाने का और एहसास करने का मौका मिला, इसलिए मैं संभाजीनगर आया। दूसरा, जब 25 को आने का तय हुआ तो मैंने कहा 26 को जाएंगे। दो कारणों से 26 को जाएंगे। एक तो महाराष्ट्र के लिए 26/11 का एक अलग महत्व है, हमारे लिए आज का दिन शहीदी दिवस है। लेकिन मित्रों, हमारे लाखों साल के इतिहास को अगर हम देखेंगे तो 365 दिन तो छोड़िए, 24 घंटे का हर घंटा भी हमारे लिए शहीदी का रहा है, धर्म के लिए बलिदान का रहा है। और दूसरा, ये लोग सामने से वार नहीं कर सकते, ये कहां से वार करेंगे? पीछे से। तो मैंने सोचा कि अगर मैं कहीं पर पीछे से वार करके मर जाऊं तो अच्छा शहर कौन सा रहेगा? संभाजीनगर। और इसलिए अगर मरने की बारी आती है तो शहीदी दिवस में मरेंगे और वीर संभाजी के भूमि में मरेंगे।
और इसलिए संभाजनगर आया। जब मरने की तैयारी रखे बगैर, मरने की तैयारी रखे बगैर, देखो मैं बिंदास बोलता हूँ ना, मुझे कई लोग बोलते हैं यार तुम यूपी में कार्यक्रम करते हो, वहां तो आजम खान है, मुल्ला मुलायम है, इतने लोग हैं, तुम वहां पर कैसे इतना दहाड़ते हो। मैंने कहा हमारे इधर मराठी में कहावत है, हिंदी में अगर बताऊं तो नंगे से खुदा भी डरता है। तो जब तक नंगे नहीं होंगे ना, ना खुदा डरेगा ना कोतवाल डरेगा, डंडा लेके पीछे पड़ेगा। मैं चैनल पे खड़ा होता हूं और कहता हूं कि जान हाजिरे बोलो कौन सामने आता है। जब ये बात होती है तो देश का कोई दुश्मन सामने नहीं आता। और इसलिए मुझे पता है प्रणीति शिंदे ने एक लाइन बोली तो उसके खिलाफ ये पूरा टूट पड़ा। मैं 30 दिन से बोल रहा हूं मेरे सामने आने के लिए तैयार नहीं। मैंने तो, मुझे पता था ये सामने एक तो आएगा नहीं, अगर आएगा तो इसकी पतलून गिली होगी, और इसलिए मैं डायफर भी अपने साथ लाया। आपके यहाँ के एमएलए को गिफ्ट दे देना, वो जरा हैदराबाद पहुंचा दे। उस एमएलए से मुझे बात याद आई, मैंने यहाँ के कुछ लोगों को फोन किया, यहाँ के पुलिस के कुछ आईपीएस ऑफिसर भी मेरे अच्छे मित्र है, उन्होंने कहा यार वो सब ठीक है लेकिन उनका यहाँ का एमएलए है ना बड़े अच्छा स्वभाव वाला आदमी है, वो अच्छा आदमी है गलत पार्टी में। एक मिनट पूरा सुन लीजिए। उन्होंने कहा यार अच्छा आदमी गलत पार्टी में गया। मैंने कहा चोर क्या करते, हमेशा मुखौटा पहनते हैं, तो अगर चोर बुरा है तो चोर का मुखौटा अच्छा हो सकता है क्या? तो मुखौटे पे जाएंगे क्या? मुखौटे पे गलती से विश्वास करेंगे क्या? अगर मुखौटे को लगता है गलती से गया है, वो आज वापस आ जाए, देश के जिस पार्टी में चाहते हैं एमएलए बना देंगे। अगर उसकी इस हिंदुस्तान के साथ ईमानदारी आ जाए, वो पार्टी का नाम बताए, मैं गारंटी देता हूं दिल्ली में बैठता हूं, देश की किसी भी पार्टी से बना दूं। लेकिन इन सब चीजों को कोई बोलता नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, तर्कों के आधार पर करना चाहिए। उसने क्या कहा? उसने कहा कि एक तो हम पाकिस्तान जाएंगे नहीं। मुझे किसी ने कहा हमारे यहाँ सेकुलर बड़े पत्रकार कुछ लोग होते हैं ना जो कुछ कर नहीं सकते, बलात्कार का विरोध नहीं कर सकते तो क्या करते हैं? विरोध नहीं कर सकते तो क्या करते हैं? वो लोग क्या बोले? देखो सुरेश तुम इस पे खामखा गुस्सा होते हो, वो क्या बोल रहा है? पाकिस्तान जाएंगे नहीं। अरे मैंने कहा अगला तो सुनो, वो बोलता है अगर जाएंगे तो ताजमहल को लेके जाएंगे, कुतुब मीनार को लेके जाएंगे, लाल किले को लेके जाएंगे। मैंने कहा ये सुल्तान ओवैसी का है क्या? आपको पता है? और इसलिए जब से मैंने इसका कार्यक्रम शुरू किया, मेरे सामने रोज नया मुद्दा आ रहा है टीवी के लिए। अब मैं कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं कि ये जो ताजमहल है ये एक्चुअली तेजो महल है, शिव मंदिर है, और बहुत ही जल्दी सुदर्शन चैनल पर आने वाले कार्यक्रम का नाम है इतिहास की सच्चाई। बतानी चाहिए कि नहीं भाई? अगर इतिहास में लिखा है तो बतानी चाहिए कि नहीं? मुर्गी चोर था तो था, बताना चाहिए कि नहीं? तो इतिहास की सच्चाई हम लेकर आए हैं और हम बताएंगे कि ताजमहल क्या है? तेजो महल। लाल किला क्या है? लाल कोट। और जो कुतुब मीनार जिसको कहता है, वह आज भी इस वक्त भी इस टाइम पर भी एक शिलालेख लगा है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कि 24 हिंदू मंदिरों को तोड़कर यहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया, और जो वह कुतुब मीनार है उसका वास्तविक नाम है विष्णु स्तंभ। क्या नाम है? विष्णु स्तंभ। तो इसको कुतुब मीनार, लाल किला और ताजमहल लेके जाने देंगे क्या? तो इसलिए इतिहास की सच्चाई अब हम तर्कों के साथ शुरू करेंगे। और वैसे वैसे हम इसको इस देश की एक चिमट वाली मिट्टी भी लेके नहीं देके जाएंगे, इसकी भी गारंटी देते हैं। ताजमहल और बाकी चीजें तो बहुत दूर की बात है।
तो सुदर्शन न्यूज प्रधान संपादक सुरेश चौहानके को आपने सुना। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदुत्ववादी पत्रकार हूं, और इस दौरान उन्होंने एक अहम बात ये कही कि किसी भी मीडिया चैनल ने ओवैसी के कुतर्कों को नहीं दिखाया, उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन हम ओवैसी के हर एक कुतर्कों का जवाब देंगे और तब तक देंगे जब तक कि ओवैसी को कड़ी सज़ा नहीं मिल जाती। और वहीं औरंगाबाद में ही महाआरती समारोह के बाद ब्रह्म मुहूर्त पर सदगुरु जनार्दन स्वामी आश्रम वेरूल में पहुंचे, जहां पर प्रधान संपादक सुरेश चौहानके ने शांतिगिरि जी महाराज जी के सानिध्य में सत्संग प्रवचन एवं भजन का आनंद उन्होंने लिया। और चलिए सुदर्शन न्यूज़ के इस विशेष अभियान में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आप सभी को छोड़े जाते हैं रवि जी के इस विशेष गाने के साथ। हिंद की शक्ति दिखला दो इस ओवैसी अभिमानी को, एक किन्नर ने ललकारा है हर एक हिंदुस्तानी को, झूठ समझ बैठा है ये तो राम कृष्ण की वाणी को, रामायण गीता पढ़वाओ विद्रोही अज्ञानी को। हिंद की शक्ति दिखला दो इस ओवैसी अभिमानी को, एक किन्नर ने ललकारा है हर एक हिंदुस्तानी को। सरे आम बेशर्मी का ये नंगा नाच दिखाता है, जात पात के नाम पे भोले लोगों को भड़काता है, दीन धर्म में जहर घोल कर ये मोमिन कहलाता है। ये दुश्मन है भारत माँ का, सच्ची बात यही है, झूठ कपट छल मक्कारी इसकी औकात यही है, ये औलाद है ISI की इसकी जात यही है। हिंदुस्तान की धरती से कुछ भी ले जाना पाएगा, सबका चेहरा बहुत जल्द ही तेरे सामने आएगा, ताजमहल ले जाने वाले खुद कांधों पे जाएगा। बात मरण के क्या होता है आज तुझे बतलाएंगे, हम पवित्र अग्नि में जल कर राम कसम सर जाएंगे, तुझे कब्र में कीट मकौड़े खाएंगे। आ तुझको ये समझा दूं के होती है नारी कैसी, नूर शबा नामीरा राधा रमिया और गीता जैसी, तेरी माँ की जात भी है कौशल्या और सीता जैसी। जानवर खाकर आखिर क्या लज्जत तू पाएगा, असल स्वाद से ओवैसी तू वंचित ही रह जाएगा, सूअर खाकर देख कभी तू बड़ा मजा आएगा। नापाकी का अपने सर पे तूने कफन लपेटा है, नफरत जलन घृणा के उठते शोरों पे तू लेटा है, तू इंसान कहा है मूर्ख तू शैतान का बेटा है। तेरी झूठी आन का सूरज किसी शाम ढलने को है, तेरा पल दो पल का जीवन मिट्टी में मिलने को है, ये तेरी नापाक रूह अब तो जख्मे चलने को है। Yeah.